ये कीड़ा जो है वो आप पूरे कांटे पे लगाएं इसको और फिर फेंकें, और इंशाल्लाह जो है इस पर 2 से 3 किलो का दाना आपको फिट हो जाएगा। ये केकड़ा पकड़ा है हम लोगों ने, इस पर जो है वो इंशाल्लाह जो है इसको भी लगा के देखते हैं आज, हो सकता है कि इस पर भी जो है वो स्ट्राइक हो जाए। रोशनी वाली हेलो गाइस, दिस इज फजान उर्रफ, दिस इज अहमद हुसैन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वी आर ऑल्सो गुड। तो जो है जैसा कि आपकी नॉलेज में है कि कोरोना वायरस की वजह से तमाम चीज़ें जो है वो बंद हैं, तमाम एक्टिविटीज़ बंद हैं, इस वजह से हम लोग शिकार भी नहीं जा सकते। तो फजान भी, आई अप्रिशिएट द गवर्नमेंट एफर्ट, क्योंकि यही एक तरीका है कि जिस तरीके से हम आवाम में कोरोना वायरस को फैलाने से बच सकते हैं। सो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में जो है वो खट्टी झींगा, सीप का कीड़ा और केकड़ा जिस तरीके से पकड़ के उसके ऊपर शिकार किया, ग्रुपर आया माशाल्लाह से, मैंने वीडियो में जो है वो गलत बोला कि 3 किलो का। उस टाइम तो मुझे आइडिया नहीं था, लग रहा था वो, लेकिन जब मैंने उसका वेट किया था वो 2 किलो का हिस्सा था। 2 किलो भी जो है वो कम नहीं होता, आपको जब इतना बड़ा शिकार जब लगता है तो आपकी जो है वो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उसके वो बिस्तर जिस तरीके से, जिस टेक्निक से जो है वो आया, तो उसकी सबसे बेसिक जो चीज़ थी वो कांटे के ऊपर जो है उन तीनों चीज़ों का लगाना था, जैसे कि केकड़ा, झींगा, खट्टी झींगा और सीप का कीड़ा। तो वो आज आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टाइम जब भी आप शिकार में जाएँ, जैसे ये एक्टिविटीज़ दोबारा से ओपन होती हैं, शहर दोबारा खुलता है, तो आप जाएँ उस तरीके को जो है वो, उस फॉर्मूले को जो है आप अपने कांटे पर जो है वो उसको अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह जो है वो आप भी इसी तरीके से जो है बड़ा दाना निकाल सकते। बट फॉर नाउ स्टे होम एंड स्टे सेफ। सबसे पहले जो है वो हम केकड़े को जो है वो लगाना आपको सिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है केकड़ा को कांटे में लगाया जाए। केकड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा, उसकी बॉडी सॉलिड होती है, लेकिन उसमें एक ऐसा हिस्सा होता है बैक साइड में नरम, जहाँ से जो है वो कांटे की नेप आराम से जो है वो अंदर चले जाए। तो आपको थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ेगा, लेकिन जो है वो आपका कांटा केकड़े की बॉडी के अंदर से जो है वो उसको सही तरीके से ग्रिप कर लेगा। ये देखें, इस तरीके से जो है वो आप केकड़े को जो है वो कांटे में लगा सकते हैं। इसके बाद जो है वो हमने खड्डी झींगा आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लगाया जाता है। एक्चुअली खड्डी झींगा का जो ऊपर की बॉडी होती है वो काफ़ी सॉलिड होती है, तो वो ऊपर से जो है वो लगाना उसको मुनासिब नहीं है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है वो खड्डी झींगा जो है वो कांटे में फैजान भाई लगाएंगे। इसकी जो है वो दुम से आपको इसको पकड़ना है, और दुम से जो है वो आपको इसकी कांटे की निप को इसकी बैक साइड से बिल्कुल दुम के पास से इसकी बॉडी के अंदर आपको इस तरीके से डालना है और इसको पुरा देना है। तो ये खुद ही जो है वो कांटे के ऊपर जो है वो पूरा राउंड होके अच्छी तरीके से जो है वो फिट हो जाएगा। अब आपको दिखाएंगे कि सीप का कीड़ा किस तरीके से जो है वो लगाया जाता है। सीप का जो कीड़ा जो होता है वो बिल्कुल बैक साइड से जो है वो अर्थवॉर्म की तरह होता है, तो जिस तरह से अर्थवॉर्म जो है वो आप कांटे में लगाते हैं, उसी तरह से जो है वो इसकी बॉडी के अंदर आपको कांटे को लगाना है और उसको जो है पूरा कांटे के अंदर पुरा दें आप। तो जैसे कि आपको बताया तीनों चीज़ें किस तरीके से लगाई जाती हैं, वैसे ही आप जो है वो इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा। और ये जो सीप का कीड़ा है, यही वो चीज़ है जिस पे जो है वो आज का जो है हमारा शिकार सक्सेसफुल रहा। हमने जो है वो एक गिस्सन निकाला इस पे 2 किलो का, और जो है वो आप जब इतना बड़ा शिकार करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और जो है वो आपकी मेहनत जो है वो रंग ले आती है। तो इंशाल्लाह जो है वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।